इंडिया की नंबर वन कार मेकर मारुति सुजुकी जानी जाती है फॉर इट्स आइकॉनिक मॉडल द मारुति 800। इसके साथ में यू हैव द वैगन आर जिसकी एक काफ़ी लंबी लीनियज है। एक काफ़ी फेमस मॉडल है द ऑल्टो जो कि 20-22 साल से बन रही है, बिक रही है इन द इंडियन मार्केट। काफ़ी सारा नंबर्स किया है इसने, काफ़ी सारा धूम मचाया है इसने। इट इज़ बीन मैनी पीपल्स फर्स्ट कार, ड्रीम कार। 2022 में मारुति सुजुकी लेके आया है दिस इज़ द थर्ड जनरेशन, दिस इज़ द लेटेस्ट जनरेशन मारुति सुजुकी ऑल्टो K10। हम आ गए हैं इन द लवली कोस्टल सिटी ऑफ कोची। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया। हम बताएंगे सब कुछ ऑन दिस लवली स्मॉल कार फ्रॉम इंडियाज नंबर वन कार मेकर। 2020 में मारुति सुजुकी ने स्टॉप करा था ऑल्टो का प्रोडक्शन, ऑल्टो का सेल, बिकॉज दे हैड गॉट द एस्प्रेसो। एस्प्रेसो जो कार मॉडल अभी भी बिक रही है, दे हैड गॉट दैट कार इन 2020 एंड ऑल्टो वॉज स्टॉप। लेकिन अब वापस आया है, एक काफ़ी बड़ा कमबैक किया है दिस कार ने। एक काफ़ी लाउड कार है ये। हम बताते हैं कि इसका जो लुक्स है, ये गाड़ी बाहर से इसका एक्सटीरियर कैसा है, एंड व्हाट ऑल इज़ चेंज्ड, व्हाट ऑल इज़ न्यू एंड हाउ इट इज़। स्टार्ट करते हैं ऑल्टो K10 के फेस से। इसका जो फेस है, इसका जो लुक्स है, बेसिक जो सिलोट है वो आपको याद दिलाएगा ऑफ अ टिपिकल जैपनीज स्मॉल कार। एवरीथिंग लुक्स नाइस एंड राउंडेड। अगर फेस की बात करें तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारा एक एक ब्रॉड ग्रिल मिल जाता है, एक हनी मैश वाला एक ग्रिल मिलता है इन ब्लैक मैट फिनिश। काफ़ी वाइट सा एक स्माइलिंग फेस इट मतलब पोट्रे करता है। आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक नाइस एक किड प्लेट मिल जाता है। दिस अगेन इट्स लाइक अ स्मॉल मिनी स्पॉइलर ओवर हियर। एयर इंटेक्स है यहाँ पे। जो बम्पर है इसको रीडिज़ाइन किया हुआ है, इट इज़ एन ऑल न्यू बम्पर। आपको यहाँ पे यू गेट दिस कैरेक्टर डिज़ाइन, कैरेक्टर लाइंस ओवर हियर। अगर हेडलैम्प की बात करें तो आपको हैलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं, इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स है यहाँ पे। दिस अगेन हैज़ दिस नाइस डिटेलिंग ऑन इट, एक स्पॉटिंग वाला एक डिटेलिंग है। एक फ्लश सा एक इट स्वेप्ट बैक वाला एक इफेक्ट है। सुजुकी का लोगो है, यू डोंट हैव मारुति लोगो, यू हैव द सुजुकी लोगो, तो एक ग्लोबल वाला एक यू हैव दिस ब्रांडिंग ओवर हियर। स्वेप्ट बैक स्मूथ बॉनेट है यहाँ पे इसका। एक स्मॉल कार है तो ये इसका बॉनेट भी छोटा होगा। साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे साइड पे यू गेट दिस नाइस रेट्रो लुक वाला इंडिकेटर। अगेन एक क्लासिक रेट्रो है। आपको हेडलैम्प में भी इंडिकेटर मिल जाते हैं, बट देन यू ऑल्सो हैव द इंडिकेटर ओवर हियर। दिस इज द इंडिकेटर ऑन द हेडलैम्प। अगर विंग मिरर की बात करें तो आपको मैट ब्लैक फिनिश में विंग मिरर मिल जाता है। दिस यू हैव दिस मैट ब्लैक वाला फिनिश ऑन इट, कैप ऑन इट। व्हील्स की बात करें तो आपको छोटे से व्हील मिलते हैं, छोटी गाड़ी है तो छोटे व्हील्स है इसमें। स्टील रिम्स मिल जाते हैं, ये टॉप एंड वेरिएंट है। आपको व्हील कैप मिल जाएगा ऑन दिस टॉप एंड वेरिएंट। जो इलेक्ट्रिक कार वाला लुक है, जो उसके व्हील होते हैं वो डॉटिंग वाला, आपको यहाँ पे इफेक्ट मिल जाता है। दिस गिव्स एन लुक ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार। JK टायर के टायर्स है ये, अल्टीमा नियो इज व्हाट दे आर यूजिंग, सो दीज आर द टायर्स दैट कम। क्लियरेंस काफ़ी सारा है बिटवीन द फेंडर एंड द टायर। साइड प्रोफाइल की बात करें तो जो प्रोमिनेंस है वो है इसका लिफ्ट वाला जो हैंडल है। दिस इज हाउ इट ओपन्स, एक रेट्रो क्लासिक जो लुक आता है स्मॉल कार का इन दिस सेगमेंट एट दिस प्राइस रेंज, सो दिस इज व्हाट इट इज। आपको रूफ में यू गेट दिस नॉर्मल एंटेना ओवर हियर, जो सेंटर जो अपना इंस्टॉल किया हुआ है वो है। ग्लास एरिया इज गुड, क्वार्टर ग्लास हैज बीन ब्लैंक्ड आउट। ये इसका फ्यूल फिलर है। अगेन यू हैव गॉट ऑफ गुड क्लियरेंस बिटवीन ऑन द रेयर टायर ऑल्सो। को मैं याद दिला दूँ कि जो ऑल्टो K10 है वो साइड बाय साइड बिकेगा विद द ऑल्टो 800। लेकिन अगर हम बात करें ऑफ द K10 तो इसमें आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, विच इज़ गुड इनफ। दिस इज़ द ग्राउंड क्लियरेंस एंड इट इज़ प्रिटी नीट फॉर द कार ऑफ दिस साइज एंड इन दिस सेगमेंट। अगर रेयर प्रोफाइल की बात करें तो ये भी एक काफ़ी क्लीन लुक जो कंटिन्यू करता है वो है यहाँ पे। यू हैव दिस नाइसली न्यू डिज़ाइन वाले बम्पर यहाँ पे। स्मूथ फिनिश है, स्मूथ कैरेक्टर लाइंस है जो फ्लो करते हैं। आपको रेयर में सेंसर्स मिल जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स। ऑल्टो K10 का ब्रांडिंग है। यू गेट दिस नाइस इन्फ्यूज्ड वाले टेल लैम्प्स।
टर्न लैंप्स इंटीग्रेट किए हुए हैं, रिवर्स का जो लैंप है वो इंटीग्रेटेड है, एक कंप्लीट लुक देता है स्मॉल कार का, एक टिपिकल जापनीज लुक जो है, जो बबली वाला है, जो राउंडेड है, वो लुक है यहाँ पे। आपका जो रेयर ग्लास है वो भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको डीफॉगर नहीं मिलेगा, नोट कीजिएगा, एंड देर इज़ नो वाइपर ऑल्सो, बट देन एक बड़ा ग्लास है, साइज इज़ यू नो क्वाइट वाइड एंड यू नो बिग। अगर आप मुझे पूछे तो इसका जो टिपिकल जो स्टैंड है, जो लुक है, वो आपको एक टिपिकल जैपनीज फैमिली कार, जो एक छोटी सी गाड़ी होती है फॉर दिस प्राइस रेंज, इसका प्राइस स्टार्ट होता है 3.99 lakhs, एंड यू गेट अ लॉट फॉर दिस प्राइस यू नो ऑन दिस ऑन द न्यू ऑल्टो K10। 2022 का ऑल्टो K10 को पावर करता है एक 3-सिलेंडर K सीरीज इंजन। इसमें आपको ड्यूल जेट मिल जाता है, VVT टेक्नोलॉजी मिल जाता है। ये इंजन बनाता है 66.62 PS ऑफ पावर। इसमें आपको 89 Nm का टॉर्क मिल जाता है। इसका जो ट्रांसमिशन ऑप्शंस है वो है दो, एक है 5-स्पीड मैनुअल जो हम चला रहे हैं अभी, एंड वन इज़ द AGS जो कि AMT ट्रांसमिशन है, द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो हम चलाएंगे बाद में। सो दिस इज़ द इंजन फॉर द ऑल्टो K10। ये इंजन की खासियत है कि इसमें आपको VVT टेक्नोलॉजी मिल जाता है अभी, एंड मारुति क्लेम करता है ARAI फिगर जो है इसका एफिशिएंसी का, वो है अराउंड अबाउट 24.5 किलोमीटर, विच इज़ क्वाइट अ लॉट फॉर दिस कार। सो ये गाड़ी बनी है फॉर योर डेली कम्यूट, फॉर योर यू नो हाई एफिशिएंसी फैमिली कार, छोटी गाड़ी, एंड दिस इज़ द ऑल्टो K10। दिस कार नीड्स नो इंट्रोडक्शन, यू आर वॉचिंग मोटर वर्ल्ड इंडिया। ऑल्टो K10 में आपको इलेक्ट्रिकली ओपनेबल बूट लिड नहीं मिलता, बट देन नेवरदलेस आपको एक की ओपनिंग वाला बूट लिड मिल जाता है। K10 में आपको 214 liter का बूट स्पेस मिल जाता है, विच इज़ 37 liters यू नो मोर देन द ओल्डर मॉडल। ओल्डर मॉडल से काफ़ी बड़ा है ये, जैसे कि आप यू कैन सी इसका जो बूट लिडिंग का जो लिप है, लोडिंग का लिप है, वो इट इज़ लाइक यू नो गुड इनफ, काफ़ी डीप है ये, एंड डीप इन हाइट ऑल्सो एंड डीप इन लेंथ एंड विड्थ ऑल्सो। सो दिस इज द बूट ऑफ द ऑल्टो K10 2022। 214 liters का बूट है, विच इज़ यू नो क्वाइट सफिशेंट फॉर नॉट वन बट थ्री बैग्स कैन गो इन, एक के ऊपर एक रखेंगे तो यू ऑल्सो गेट दिस नाइस स्ट्रॉन्ग पार्सल ट्रे ओवर हियर। दिस इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ये भी काफ़ी सारा लोड ले सकता है। फिट फिनिश इज़ वेरी नाइस। दिस इज़ द ऑल्टो K10 2022। अगर इंटीरियर्स की बात करें ऑन द ऑल न्यू ऑल्टो K10, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको एक वेरी न्यू डिज़ाइन, एक ऑल न्यू डिज़ाइन वाला डैशबोर्ड मिल जाता है। ये एक काफ़ी प्रैक्टिकल, एक सोफिस्टिकेटेड लुक देता है। ये आपको यहाँ पे एक ऐसा कि क्रीज मिल जाता है, विच गिव्स यू यू नो एक बाइसेक्ट करने वाला डिज़ाइन। यू हैव अ टॉप पार्ट ओवर हियर, ये फ्रंट का पार्ट है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये सेक्शन। अगर आप मुझे पूछें तो जो की USP है, दैट इज़ द 7 inches स्मार्ट प्ले जो AVN सिस्टम है, टच स्क्रीन AVN सिस्टम मिल जाता है आपको ऑन द ऑल्टो K10। इसमें आपको एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, यू हैव मोबाइल कनेक्टिविटी, यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड टू कनेक्ट टू द AVN सिस्टम। काफ़ी सारे फीचर्स है इनटू दिस सिस्टम। जो आपका फ्रंट पावर विंडो का जो कंट्रोल बटन्स है वो यहाँ प्लेस किए हुए हैं, लेफ्ट का यहाँ पे, राइट का यहाँ पे। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो एक सिंपल प्रैक्टिकल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, स्पीडोमीटर है यहाँ पे। यू हैव योर फ्यूल मीटर एंड ट्रिप मीटर ओवर हियर, एंड ऑल द टेलटेल यू नो वार्निंग लाइट्स ओवर हियर। एक सिंपल प्रैक्टिकल डिज़ाइन है, काफ़ी क्लियर है, काफ़ी क्रिस्प है, काफ़ी बड़ा डिजिट है जो इसका डिजिटल स्पीडोमीटर है उसका। अगर स्टेयरिंग की बात करें तो एक काफ़ी बड़ा सा आपको स्टेयरिंग मिल जाता है, ये प्लास्टिक का जो स्टेयरिंग है वो है यहाँ पे। आपको हाइट का एडजस्ट नहीं मिलेगा। यू हैव ऑल द MFD कंट्रोल बटन्स ओवर हियर, ये आपका फ़ोन कंट्रोल बटन्स है। When you are you know connected to the phone, Bluetooth connectivity है यहाँ पे, तो you can control the phone over here. This for your audio controls, जो आप control करोगे आपका system. अगर AC की बात करें तो आपको एक single zone AC unit मिल जाता है। This is a basic AC unit, but then this has a nice you know retro classic touch to it. So this has that normal click clack वाला जो knob है, जो turn dial है, वो आपको मिल जाता है। ये आपका AC का जो temperature है उसको control करेगा। You have to slide it over here. ये hot हो गया, ये cold हो गया, that's how it is. This is the for your flow of your AC. आपको कहाँ पे चाहिए इसका फ्लो। आपको USB का जो मोबाइल चार्जिंग डॉक है वो यहाँ मिल जाता है। यू हैव दिस USB पोर्ट ओवर हियर। आपको 12 वोल्ट का एक पोर्ट मिल जाता है। यू हैव दिस मोबाइल स्टोरेज प्लेस ओवर हियर, यहाँ पे आप मोबाइल डाल दो, रख लो। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर है, इसमें भी आप मोबाइल रख सकते हो। अगर गियर शिफ्टर की बात करें तो यू हैव दिस कन्वेंशनल जो एक प्रैक्टिकल डिज़ाइन है, एक लॉन्ग थ्रो डिज़ाइन है गियर शिफ्टर का, वो आपको मिल जाता है। दिस इज़ अ 5-स्पीड शिफ्टर। आपको एक ऑटोमेटिक वाला भी मिलेगा, वो हम आपको बताएंगे बाद में। अगेन यू हैव दिस नाइस स्टोरेज स्पेस ओवर हियर, इसको आप या मोबाइल स्टोर कर सकते हैं, या आपका हैंड ब्रेक है।
फील्स गुड फील्स वेरी प्रैक्टिकल। अगर विंग मिरर्स की बात करें तो आपको एक मैनुअल जो एडजस्ट है वो आपको विंग मिरर मिल जाते हैं, आपको इंटरनली इलेक्ट्रिक एडजस्ट नहीं मिलता, बट देन यू हैव दिस स्टॉक्स ओवर हियर टू कंट्रोल एंड सेट द विंग मिरर्स। अगर सेफ्टी की बात करें तो आपको ड्यूअल एयरबैग्स मिल जाते हैं स्टैंडर्ड ऑन द ऑल्टो, राइट नाउ आपको ABS मिलता है, EBD भी मिलता है। रेयर व्यू का जो मिरर है वो भी सिंपल है, ये डे नाइट वाला जो टिकटॉक वहाँ पे यहाँ पे एक स्टॉक होता है वो आपको नहीं मिलेगा, बट देन दैट इज़ हाउ इट इज़। यहाँ पर कैबिन लाइट है, ये आपका दिस इज़ योर सन फ्लैप सन वाइजर्स ओवर हियर एंड फील्स गुड फील्स वेरी प्रैक्टिकल। जो कैबिन है फॉर अ पर्सन हु इज बाइंग इज फर्स्ट कार, दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल प्लेस टू बी इन द कैबिन ऑफ द ऑल्टो K10। अगर सीट्स की बात करें तो फैब्रिक अपोस्ट्री मिल जाता है आपको ऑन द ऑल्टो K10, आपको ड्यूअल टोन कलर मिल जाएगा। अगर आप फ्रंट सीट्स की बात करें तो काफ़ी सारा पैडिंग है, यूनिफाइड हेडरेस्ट है यहाँ पे। अगर अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो दिस इज़ मोर देन यू नो व्हाट इज़ कंफर्ट फॉर एन ऑल्टो। जो ओल्डर ऑल्टो है उससे तो काफ़ी अच्छा पैडिंग है, उससे तो अच्छा काफ़ी एक साइज़ है सीट का, आपको बैक रेस्ट बोल दो या फिर आपका बेस का जो हगिंग का पैडिंग है, एवरीथिंग फील्स प्रीटी कंफर्टिंग। ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्ट नहीं मिलता, बट देन द व्यू द पोजीशन ऑफ द सीट इज परफेक्ट फॉर माय हाइट, आई एम 5'6" 5'7" और जो सामने का व्यू है वो मुझे परफेक्ट है। स्टेयरिंग का भी जो फील है, जो एक यू नो एक बिहाइंड द स्टेयरिंग वाला फील आता है व्हेन आई एम ड्राइविंग द कार, दैट इज ऑल्सो नियर टू परफेक्ट, फील्स गुड एंड फील्स वेरी पॉजिटिव। रेयर सीट चेकआउट करते हैं, दिस इज स्मॉल कार ओपनिंग लेकिन काफ़ी बड़ा है, जो इसका व्हील बेस है जो गाड़ी का व्हील बेस है वो एक्सटेंड हुआ है एंड एज अ रिजल्ट आपका जो एंट्री अपर्चर है वो भी बड़ा है। इन द रेयर सीट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट डोर बंद कर लिया मैंने, द सीट इज सेट टू माय हाइट, आई एम 5'6" 5'7" ऑन द ड्राइवर सीट, दिस इज द लेग रूम द नी रूम दैट यू गेट, प्रिटी नीट फॉर अ कार ऑफ दिस साइज, ये साइज की गाड़ी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा है। जो हेड रूम है वो भी काफ़ी अच्छा है, शोल्डर रूम इज प्रिटी नीट, एक नियर फ्लैट फ्लोर मिल जाता है आपको, देयर इज नो ट्रांसमिशन हम्प और टनल ओवर हियर, दिस इज प्रिटी फ्लैट। अगर मैं बीच में आ जाऊँ तो यहाँ पे मुझे मोबाइल होल्डर मिल जाता है, मैप पॉकेट्स आर मिसिंग बट देन दैट्स हाउ इट इज। सीटिंग अगर जो मैं मतलब बीच में करूँ तो भी काफ़ी कंफर्टिंग है, आई कैन सिट इन अ रिलैक्स्ड मैनर एंड फॉर दोज जर्नीज दैट आई हैव। कमिंग बैक टू द सीट ओवर हियर, यहाँ पे आपको यूनिफाइड हेडरेस्ट मिल जाता है, देर आर टू यूनिफाइड हेडरेस्ट, सीट बेल्ट्स आर देयर, प्रिटी नीट। नाउ जो रेट्रो टच है, जो क्लासिक टच है वो है इसका विंडो के वाइंडर्स, ये रोल डाउन करने के लिए एंड रोलिंग अप, यू डोंट गेट दोज पावर दिस थिंग विंडो के जो बटन्स है इलेक्ट्रिक वाले वो नहीं मिलते आपको, बट देन दिस इज़ प्रिटी ईजी एंड प्रिटी नीट, 3-4 राउंड में ये अप हो जाते हैं एंड दिस गोज डाउन, सो प्रिटी नीट। आपको सेंटर लॉकिंग मिल जाता है, ऑटो लॉक ऑटो अनलॉक भी मिल जाता है, तो सेफ्टी इज ऑलवेज देयर, यू हैव दिस हैंडल्स ओवर हियर एंड अ नाइस ब्राइट रूफ टॉप ओवर हियर, तो प्रिटी पॉजिटिव फील है इन द कैबिन ऑफ द ऑल्टो K10। तो K10 चलने में कैसी है, 2022 का मॉडल है ये। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आपको मैं बता दूं कि इसको पावर करता है 3-सिलेंडर के सीरीज वाला इंजन, ये इंजन में आपको अभी VVT वाला टेक्नोलॉजी मिल जाता है, द विच गिव्स इट मोर एफिशेंसी एंड मच मोर पावर रिफाइनमेंट। इंजन बनाता है 66.62 PS ऑफ पावर, इसमें आपको 89 Nm का टॉर्क मिल जाता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन आर, वन इज दिस, ये जो 5-speed वाला मैनुअल है वो, एंड यू ऑल्सो हैव एन AGS द AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो भाई चलने में कैसी है ये गाड़ी, ये गाड़ी है फॉर योर डेली यूज, प्रैक्टिकल यूज, फर्स्ट कार है ये फॉर मैनी पीपल। तो इसका जो पावर है, जो डिलीवरी है पावर डिलीवरी का, वो है काफ़ी पेपी, एक लीनियर पावर बैंड मिल जाता है आपको, जो इसका पावर का जो रिफाइनमेंट है, इंजन का जो ग्रंट है वो प्रिटी एविडेंट है एंड राइटली सो, दिस इज़ अ कार मेड फॉर अ प्राइस, 3.99 lakhs पे इसका प्राइसिंग चालू होता है, सो दैट्स हाउ इट इज़। अगर पावर की बात करें तो आपको काफ़ी सारा पावर मिल जाता है फॉर दिस कार, ऑन दिस कार फॉर द 1 liter इंजन, के सीरीज इंजन जो SPSO भी यूज़ करता है, अदर मॉडल्स फॉर मारुति यूज़ करता है, इट्स अ ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाला इंजन, द न्यू जनरेशन ऑफ मारुति कार्स यूज दिस इंजन, तो नाउ द ऑल्टो हैज इट। ऑल्टो ने एक अपना कमबैक करा है, बीच में ये गाड़ी बंद हो गई थी 2020 में, 22 में फिर से आ गई है ये गाड़ी। एंड कमिंग बैक टू हाउ द कार ड्राइव्स, अगर मैं आपको स्टेयरिंग फीडबैक की बात करूँ तो दिस गेट्स अ इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग। अगर मैं टर्निंग की बात करूं, फीडबैक की बात करूं, तो आपको एक बैलेंस्ड फीडबैक मिल जाता है, नॉट डेड एंड नॉट वेरी लाइवली, बट देन इट इज़ प्रिटी बैलेंस्ड एंड प्रिटी प्रैक्टिकल, दैट्स व्हाट दिस सेगमेंट डिमांड्स, ये सेगमेंट ये डिमांड करता है।
आपका डेली जो ट्रैफिक का जो कम्यूट है, जो आपका सिटी का ड्राइविंग है, उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एक लीनियरली बैलेंस्ड जो वेटेड स्टेयरिंग है वो है ये। इसका जो फील है, जो ड्राइवर सीट के पीछे का जो फील है, वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। गियर शिफ्टिंग इज अगेन प्रिटी पॉजिटिव। 5-speed शिफ्टर है ये, ऑटोमेटिक भी हम चलाएंगे, तो दिस इज ऑल्सो प्रिटी यू नो स्मूथ 5-speed शिफ्टिंग। नथिंग मच टू यू नो क्रिब अबाउट और यू नो कंप्लेंट अबाउट। जो क्लच का एक्शन है वो भी काफ़ी लाइट है। मारुति कार्स आर नोन टू हैव द लाइट क्लच यू नो ऑन देम, सो दिस इज हाउ इट इज। जो क्लच का जो थ्रो है, जो ट्रैवल है, वो भी काफ़ी शॉर्ट है। अगर ब्रेकिंग की बात करें तो आपको ABS मिल जाता है, आपको EBD मिल जाता है, तो ब्रेकिंग का भी कोई कंप्लेंट नहीं है। इट इज़ प्रिटी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। इनफैक्ट ये गाड़ी ही टू द पॉइंट है, प्रैक्टिकल है फॉर योर डेली कम्यूट। 24.5 किलोमीटर लीटर का आपको माइलेज का क्लेम करा है मारुति ने, विच इज़ एज पर ARAI फिगर्स, एंड वी डोंट डाउट दैट। आपको 20, 21, 22 का तो आपको ईजिली मिल जाएगा एफिशिएंसी ऑन दिस 3-cylinder के सीरीज इंजन। मारुति कार्स आर नोन फॉर देयर फ्यूल एफिशिएंसी, एंड ये ऑल्टो का जो लीनियज है उसको आगे ले जाएगा। एंड जो इसका एक की USP है वो माइलेज है एंड प्रैक्टिकलिटी है, तो वो बरकरार है ऑन द ऑल्टो द K10 ऑफ 2022। हम चला रहे हैं ऑल्टो K10 का AGS वर्जन, विच इज़ द ऑटोमेटिक, द AMT ऑटोमेटिक वर्जन। पहले चलाया था द मैनुअल वर्जन। इसमें फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आपको मिल जाता है एंड AGS एंड ऑटो गियर शिफ्टर, जो मारुति कहता है। दिस इज़ अ 4-speed AMT ट्रांसमिशन एंड यू गेट टिपट्रॉनिक ऑल्सो ऑन दिस। यू कैन शिफ्ट मैनुअली ऑल्सो, अगर आपको अप शिफ्ट करना है, डाउन शिफ्ट करना है, तो दैट्स हाउ इट शिफ्ट। ये अभी हम डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, ये अप शिफ्ट कर रहे हैं। दिस इज द टिपट्रॉनिक ऑन द ऑटोमेटिक ऑल्टो K10। 5-speed ऑटोमेटिक है ये, द AGS, द AMT ट्रांसमिशन। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो रिफाइनमेंट है, जो शिफ्टिंग का जो स्मूथनेस है, वो एक टिपिकल AMT ट्रांसमिशन का जो है वो आपको मिल जाता है। बट देन इट इज़ हाईली रिफाइंड कंपेयर टू द ओल्डर जनरेशन AMTs। द AMT ट्रांसमिशन हैव कम अ लॉन्ग वे अहेड। काफ़ी कुछ बदला है, द शिफ्टिंग्स आर वेरी लेस फेल्ट। जो जडरिंग था, जो एक यू नो देयर वाज अ टिपिकल जडरिंग, एक शटरिंग था बिटवीन द शिफ्टिंग, वो आपको अभी महसूस नहीं होता, बहुत कम महसूस होता है इन टिपिकल AMT स्टाइल। बट देन इट इज़ हाईली रिफाइंड एज कम्पेयर टू द ओल्डर वन, सो दैट्स ऑल आई कैन यू नो टेल यू अबाउट दिस ट्रांसमिशन। बाकी तो इसका जो इंजन का पावर डिलीवरी है वो इज़ सेम। यू गेट द 89 Nm ऑफ टॉर्क एंड द सेम पावर आउटपुट। माइलेज में दिस गिव्स यू 24.90 किलोमीटर पर लीटर एज पर मारुति फिगर्स, विच अगेन इज समथिंग वेरी गुड फॉर दिस सेगमेंट एंड दिस कार। प्राइस के मामले में द ऑल्टो K10 ऑटोमेटिक, द AGS AMT ऑटोमेटिक इज 50,000 rupees कॉस्टलियर देन द मैनुअल टॉप एंड। दिस इज द टॉप एंड फुली लोडेड ऑटोमेटिक। एंड इफ यू आस्क मी, द कन्वीनियंस का जो फैक्टर है, जो क्लच नहीं है, योर लेफ्ट लेग इज फ्री, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल इन योर डेली कम्यूट, योर डेली ट्रांसपोर्ट का जो फैक्टर है, जो ईज ऑफ यू नो कम्यूट है, ड्राइव का जो प्लेजर है वो आपको मिल जाता है, कम्फर्ट मिल जाता है। तो दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर योर यू नो डेली यूज कार। अगर आप मुझे पूछे कि मैनुअल या ऑटोमेटिक, मैं बताऊँगा कि अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, अगर आपको गो कार्ट वाली फील चाहिए, यू हैव यू नो यू वॉन्ट दैट नाइस फील बिहाइंड इट, वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर कार ऑलवेज यू नो इन द इन टर्म्स ऑफ पावर एंड परफॉर्मेंस, तो आप मैनुअल लीजिएगा। लेकिन अगर आप एक फैमिली मैन हो और आपको आपके बच्चों को स्कूल छोड़ना है, एंड यू वॉन्ट गो टू द मार्केट एंड पिकअप योर वाइफ, और मे बी योर वाइफ इज ड्राइविंग इन द ट्रैफिक एंड बिजी कम्यूट, यू नो ऑल द टिपिकल सिटी वाला जो रूट है वो आप फॉलो करते हो, देन आई वुड से कि द AGS ऑटोमेटिक मेक्स मोर सेंस। बट देन बोथ कार्स आर यू नो हैव देयर ओन वर्चूज इन एंड टिक ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स इन यू नो ऑल द बॉक्सेस, सो वेरी मच डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन देम बोथ। लेकिन मैंने आपको बताया मैं क्या चूज़ करूँगा, आई वुड गो फॉर द ऑटोमेटिक फॉर माई डेली यूज, मे बी प्रैक्टिकलिटी की वजह से। तो भाई ये था हमारा वीडियो रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू ऑल्टो K10। 2022 का मॉडल है ये, दिस इज़ द लेटेस्ट जनरेशन। हार्टटेक प्लेटफॉर्म जो कि मारुति सुजुकी का प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करता है ये गाड़ी। फीचर्स में भी इसको लोड किया हुआ है, सेफ्टी का फीचर्स भी इसको लोड किया हुआ है।
इंजन के मामले में दिस गेट्स द लेटेस्ट जनरेशन इंजन जो BVT है, जिसमें आपको माइलेज मिलता है, पावर मिलता है एंड यू हैव कंप्लीट यू नो प्लेजरेबल ड्राइव ऑन द ऑल्टो K10। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, आपको ये गाड़ी कैसे लगी? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आपको याद दिला दूँ कि ऑल्टो K10 का प्राइसेस स्टार्ट एट 3.99 लाख फॉर द बेस मॉडल, और जो टॉप एंड मॉडल है, जो टॉप एंड ऑटोमेटिक है, द AGS मॉडल, दैट कम्स फ्रॉम फॉर 5.83 लाख। दिस इज रितेश मधोक साइनिंग ऑफ फ्रॉम लवली कोचिन। यू आर वॉचिंग मोटर वर्ल्ड इंडिया। लाइक करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन भी हिट कीजिएगा, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।